इंदौर में एक 25 वर्षीय महिला ने अपने कोरियोग्राफर पति के खिलाफ घर से निकाल दिया और 2.5 साल के बच्चे को जबरन अपने पास रखने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम और मजिस्ट्रेट ने आरोपी कोरियोग्राफर को नोटिस भेजा। इसके बाद आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर नोटिस भेजने वाले एसडीएम और मजिस्ट्रेट को अपशब्द कहने का मामला सामने आया है। गाली का उपयोग करना पड़ा, सॉरी। मौत का नंगा नाच दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में मार्च अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। पिछले 3 दिन से दमोह सबसे गर्म है। यहाँ तापमान 37 डिग्री के पार चल रहा है। मंगलवार को दमोह में दिन का तापमान 37.6 डिग्री पहुंच गया। बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में पारा 36 डिग्री पार है, जबकि भोपाल में भी टेम्परेचर 35 डिग्री से अधिक है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को मंगलवार को 10,000 रुपए की मुचलके पर जमानत मिल गई। रात करीब 9 बजे भोपाल जेल से उनकी रिहाई हुई। जेल से बाहर आकर बांगरे ने अपने 5 साल की बेटी को गोद में लेकर गले से लगाया। 3 महीने पहले छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम के पद से इस्तीफा दे चुकी निशा बांगरे को सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। खींचतान में उनके कपड़े भी फट गए थे। उनके खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। अवैध शराब के खिलाफ गुना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दमन से शराब लेकर अरुणाचल प्रदेश वाले टैंकर को कैंट पुलिस ने पकड़ा है। इसमें 1 करोड़ रुपए की करीब 34,000 लीटर अवैध शराब भरी हुई थी। इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भरा हुआ था। टैंकर पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस ने आबकारी एक्ट के साथ ही धोखाधड़ी की धारा में भी मामला दर्ज किया है। रतलाम स्टेशन पर गोल्ड के साथ पकड़ाया युवक। रतलाम में एक बार फिर से 85 लाख की गोल्ड ज्वेलरी पकड़ाई है। जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुंबई से एक शख्स को ज्वेलरी के साथ पकड़ा है, जो ट्रेन से मुंबई जाने की फिराक में था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रेलवे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।